हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीपीसी के सेक्शन 15 से लेके 21 तक, जो कि डील करते हैं प्लेस ऑफ स्विंग से। ठीक है, सेक्शन 15 क्या कहता है कि लोएस्ट ग्रेड ऑफ सिविल कोर्ट इज कम्पिटेंट टू ट्राई दी सूट। ठीक है, ये नहीं कि सीधा ही हाई कोर्ट में आप जाएँ सूट फाइल करने, नहीं, लोएस्ट ग्रेड ऑफ सिविल कोर्ट जो है उस पर आप, वहाँ पर आप जाएंगे आप अपना सूट ट्राई करवाने के लिए। ठीक है, कि कोर्ट जो है वो डिसीजन दे किसी पर्टिकुलर सिविल सूट पे। ठीक है, अगर आपने हमारी सेक्शन 9 पे वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, आपको पता ही है कि असर्टेन द प्लेस वेयर द सूट लाइज, नॉट ओवरबर्डन द हायर कोर्ट, प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द पार्टीज, और साथ के साथ ये जो है सेक्शन 15 से लेकर 21 तक है ये प्रोसीजर के रूल है, ना कि रूल ऑफ द ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं वेदर सूट फाइल टू हाईएस्ट कोर्ट एंड डिसाइडेड बाय इट, क्या वो जो सूट है वो उसे हम नलीफाई कहेंगे, नली मतलब जो है डिसीजन जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, नल होगा वो। सेक्शन 99 जो कहता है कि अगर जो है कोई भी इरेगुलरिटी हो, इट डजेंट मीन कि वो जो डिसीजन होगा वो नलीफाई होगा। ठीक है, हम एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट ए की जो पेक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन है 8 लाख की है, बी की 20 लाख एंड सी की 50 लाख की। ठीक है, सूट फॉर दी 5 लाख पर फाइल कहाँ कर दिया, बी में, 20 लाख वाली कोर्ट में। ठीक है, तो उसने डिसाइड भी कर दिया कोर्ट ने, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इरेगुलरिटी है, ये नलीफाई नहीं करेगी किसी भी कोर्ट के डिसीजन को, उस कोर्ट के डिसीजन को। यही सेम बात की गई है किरण सिंह वर्सेस चमन पासवां के केस में, गाइडलाइंस भी दी गई हैं कि ये ड्यूटी है ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट कि वो प्लेंटिफ को कहे कि वो कम्पिटेंट कोर्ट में जाकर अपना जो है सूट फाइल करे, रादर टू डिसाइड द केस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर रॉन्ग्स कंपनसेशन फॉर पर्सन एंड प्रॉपर्टी एंड अदर सूट्स की बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, अगर कोई भी आपने केस फाइल करना है। ठीक है, ये जो सेक्शन है सेक्शन 16, दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी एंड अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स। मतलब कि अगर कोई भी स्टेट का लॉ है, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रूल्स जो हैं उसकी प्रोविजंस भी इस सेक्शन को क्या है, इफेक्ट करेंगी। ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं सेक्शन 16 में, जो कि हैं जैसे कि अगर कोई भी आपने सूट फाइल करना है फॉर द रिकवरी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर उसके द्वारा जो है प्रॉफिट्स या फिर रेंट्स जो हैं जनरेट हुए हैं, पार्टीशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, मोर्टगेज और चार्ज ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें इंक्लूड होता है मोर्टगेज में सेल या फिर फॉरक्लोजर या फिर रिडेम्पशन। ठीक है, डिटर्मिनेशन इंटरेस्ट और राइट ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, कि जैसे आप ये भी मान सकते हैं कि दो पार्टीज़ में पहले क्या हो गया था, बयाना हो गया था, एक पार्टी मुकर जाती है बाद में, वो कह देती है कि भाई हमने तो पैसे रिसीव नहीं किए, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी डिसाइड किया जाएगा उस कोर्ट के द्वारा। ठीक है, आगे हम देखते हैं फॉर एनी रॉन्ग और कंपनसेशन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो है ये यही बात करता है कि फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने क्या कर दिया, किसी ने ट्रेसपास कर दिया। ठीक है, या फिर एफ पॉइंट जो है वो ये बताता है रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट और डिस्ट्रेंट। ठीक है, तो फिर क्या होगा, सूट लाइज टू दैट कोर्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। हमने ये देखना है कि वो प्रॉपर्टी कहाँ पर है, ये नहीं देखना कि पार्टीज कहाँ पर रह रही हैं, पर इसकी एक प्रोवाइजो है, अगर जो है सूट ये डिमांड कर रहा है इन केस ऑफ सूट फॉर द कंपनसेशन एंड रोंग, पर्सनल अटेंडेंस जो है वो डिमांड कर रहा है, रिक्विजिट है डिफेंडेंट की उस सूट में, एंड सूट वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड कैरिड ऑन बिजनेस और वर्क फॉर गेन, तो कहाँ पर फाइल होगा, जहाँ पर डिफेंडेंट रह रहा होगा या फिर कैरिड ऑन बिजनेस कैरी कर रहा है या फिर वर्क फॉर गेन। ठीक है, अब हम लोन की एग्जांपल लेने जा रहे हैं कि मान लीजिए लोन अगेंस्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है सिचुएटेड है लुधियाना में, सारी ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग द लोन जो है एंटर्ड इनटू हुई है जलंधर में और कॉन्ट्रैक्ट भी जलंधर में साइन हुआ है, तो सूट कहाँ पर, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा अराइज हो गया जिस पे केस करना हो पार्टीज़ में, पार्टीज़ ने,
तो वो कहाँ पर फाइल करेंगी सूट? इन दी लुधियाना कोर्ट, ठीक है, लुधियाना की सिविल कोर्ट में वो फाइल करेंगी। सेक्शन 17 जो है वो यही बताता है, व्हेन दी प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दी मोर देन वन जुरिस्डिक्शन एंड सूट जो है फॉर दी रॉन्ग और कंपनसेशन, तो कोई भी कोर्ट है भाई वो सूट को किसी भी कोर्ट में जो है पार्टी इंस्टीट्यूट कर सकती है सूट को, पर इसकी प्रोविजो यही कहती है कि वो कोर्ट जो है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के साथ साथ बाकी सारी जुरिस्डिक्शन के भी कंपिटेंट होनी ज़रूरी है, ठीक है। सेक्शन 18 जो है वो यही बताता है, जब कोई भी अनसर्टेनिटी हो रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, जब ये नहीं पता लग रहा कोर्ट को कि किस जुरिस्डिक्शन में जो है प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा जुरिस्डिक्शन में जा रही है, ठीक है, तो एनी ऑफ द कोर्ट विच इज़ कम्पिटेंट कैन मेक टू स्टेटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, कोर्ट क्या एक फ्रेम करेगी स्टेटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड ट्राई एज वेल एज डिस्पोजल ऑफ द केस। इफेक्ट क्या होगा? सेम होगा इफेक्ट जैसे कि वो प्रॉपर्टी उसकी जुरिस्डिक्शन में हो। प्रोवाइजो वही बात कि वो कोर्ट जो है पेक्यूनरी और बाकी सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन जो है उसकी कंपिटेंट होनी चाहिए। अब जो है एक क्वेश्चन, क्या होगा कि अगर जो है कोर्ट ने रिकॉर्ड नहीं किया स्टेटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, तो अंडर सेक्शन 21 क्या फाइल कर सकते हैं डिफेंडेंट? अपील फाइल कर सकता है, रिव्यू फाइल कर सकता है या फिर रिवीजन फाइल कर सकता है, क्यों? एज ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 19 जो बात करता है, व्हेन सूट इज फॉर द रॉन्ग और कंपनसेशन इन पर्सन या फिर किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। रॉन्ग क्या होता है? एक्शनेबल रॉन्ग और टोर्ट किसी भी पर्सन के द्वारा, या फिर अगर प्रॉपर्टी में देखें कि मूवेबल प्रॉपर्टी में होना चाहिए वो, ठीक है। रॉन्ग फॉर पर्सन जो है उसकी कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि मलिशियस प्रोसिक्यूशन, इंजरी टू रेपुटेशन, या फिर अनजस्टिफाइड प्रोसिक्यूशन, या फिर उसकी किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी की इंजरी होना, ठीक है। तो सूट कहाँ फाइल होगा? व्हेन द डिफेंडेंट रिसाइड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द अदर कोर्ट, बट रॉन्ग इन जुरिस्डिक्शन ऑफ द अदर कोर्ट। ऑप्शन दी जाती है प्लेंटिफ को कि वो चूज करे कि वो कहाँ पर सूट को फाइल करे, ठीक है, वेयर ही लाइज सूट, कहाँ से वो इंस्टीट्यूट करे फॉर द एक्शनेबल रोंग। मान लीजिए ए ने क्या किया, मारकुटाई की, बी की, ए जो है दिल्ली का है और बी जो है वो कलकत्ता का है। अब ये डिपेंड है बी पर जिसकी मारकुटाई हुई है कि वो कलकत्ता में सूट फाइल करे या फिर दिल्ली में, ठीक है। सेम बात है डेफोमेशन के केसेस में भी। अब सूट फॉर डेफोमेशन में एक और चीज़ आती है, अगर जो है डेफोमेशन इन द न्यूज़पेपर की गई है तो किसी भी जगह पे वो जहाँ पर भी न्यूज़पेपर सर्कुलेट हुआ है तो किसी भी जगह में वो सूट फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 20 जो है वो यही बताता है कि अगर जो है केस नहीं कवर हो रहा, सूट नहीं कवर हो रहा अंडर सेक्शन 16, 17, 18 एंड 19, तो सूट कहाँ पर फाइल होगा? वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड। अगर जो है दो से ज़्यादा डिफेंडेंट है पर वो एक ही जगह पर रह रहे हैं या फिर कैरिड ऑन बिजनेस या फिर वॉलंटरली रिजाइड्स और वर्क फॉर गेन, तो वहाँ पर होगा सूट फाइल। अगर जो है दो से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं पर वो अलग अलग प्लेसेस में रह रहे हैं, तो फिर कहीं पे भी वो जहाँ पर डिफेंडेंट रिजाइड कर रहे हों या फिर ये जो चार ऑप्शंस हैं यहाँ पर लिखे हैं, कहीं पर भी वो फाइल कर सकते हैं सूट। प्रोवाइजो क्या है? ऑप्शन ऑफ द डिफेंडेंट टू ऑब्टेन लीव ऑफ कोर्ट। अगर किसी भी डिफेंडेंट को लगे कि भाई मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट की परमिशन ले सकता है कि भाई आप उस कोर्ट में ना सही, आप हमारी जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट पे केस फाइल करें, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिफेंडेंट है, ठीक है। अगर जो है डिफेंडेंट के द्वारा लीव नहीं ली गई कोर्ट की तो फिर ये माना जाएगा दैट डिफेंडेंट्स आर एक्विंस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, मतलब कि वो रजामंद हैं, ठीक है। तो अगर आपने हमारी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अडानी एक्सप्रेस पे जो कि डील करती है कॉज ऑफ एक्शन के साथ वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट वाली हमारी जजमेंट जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो को। अब हम बात कर सकते हैं कि प्लेस ऑफ द सूट इफ डिसाइडेड बाई द पार्टीज देमसेल्व्स, ठीक है। हाकम सिंह वर्सेज मैसेज गैमोन में कहा गया था कि इफ़ जो है ये उन्होंने जो है बताया, ये डिसाइड कर लिया कि हाँ जो कम्पिटेंट कोर्ट में ही है हम सूट फाइल करेंगे तो फिर तो वैलिड होगा। अगर उन्होंने ये डिसाइड किया जो
कोर्ट कॉम्पिटेंट भी नहीं है, वो डिसाइड करेगी उनके केस को, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। या फिर फोर्थ पॉइंट है, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइज। अब कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है भाई, ये एक सेट होता है, बंडल ऑफ द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस होता है, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइज। ठीक है, केस है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीपी एजेंसीज, इसमें कोर्ट ने कहा है कि हम कॉज ऑफ एक्शन जो है ये टोटली डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड्स ऑन द डिफेंस टेकन बाय द डिफेंडेंट, नॉट डिपेंड्स ऑन द प्लेंटिफ प्लेंट, पर डिपेंड करता है ऑन द मीडिया ऑन विच द कोर्ट कैन अराइव एट कंक्लूजन। ठीक है, सेक्शन 21 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ऑब्जेक्शंस वाला है। सो गाइज, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल। ये जो है इंस्टांसिस टू फाइल केस जो है इन्हीं सेक्शंस से रिलेटेड है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे।